वाली जिम्मेदारी आपके पास होगी, बताए जरा। बस जैसा कि आपने इंटरव्यू मुझे पहले भी किया था किसी फिल्म के लिए, और ये दूसरी फिल्म है मेरी जिसका आज हम लोग मुहूर्त एक गाने के साथ कर रहे हैं। फिल्म का नाम है कलुआ करोड़पति। बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है, जैसे कि कहानी हमारे डायरेक्टर चंदन जी ने और हमारे प्रोड्यूसर सर झा जी ने सुनाया। बहुत बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत इंटरटेनिंग है। तो हम लोग आज कुछ मस्ती वाले दो गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे आज। कवि जी, इस पे आपके कितने गाने हैं इस फिल्म की अगर हम बात करें, जो दूसरी फिल्म है कलुआ करोड़पति की? इस फिल्म में एक मनोरंजक फिल्म है। मैं सर्वप्रथम तो इस फिल्म के लिए भी और इस आज़ादी दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे समस्त देशवासियों को एक ही बात बताऊंगा कि आज हमारे कुछ हिंद में इसे फरिश्ते हुए करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते आजाद होता न भारत हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते। क्योंकि आज उन्हीं लोगों की देन है कि हम किसी फिल्म की मुहूर्त कर पा रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हम आजाद हैं। तो इसलिए समस्त देशवासियों को पहले बधाई देते हुए इस फिल्म के बारे में कहूंगा कि मनोरंजक फिल्म है और फूल मसाला के साथ, फूल एंटरटेनमेंट के साथ ये फिल्म है। इसमें गाने सिचुएशन के अनुसार 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। और इसमें हम लोग 2-3 राइटर हैं, हमारे छोटे भाई आजाद सिंह, श्याम देहाती, मैं, और जिस सिचुएशन का, जिस हर एक आदमी का एक अलग अलग टेस्ट है, आजाद का एक अलग टेस्ट है, श्याम देहाती का अलग टेस्ट है, मेरा एक अलग टेस्ट है। तो डायरेक्टर साहब हमारे जो चंदन उपाध्याय, अलग सोच विचारधारा के डायरेक्टर हैं, जिनकी बातों में कुछ न कुछ नई बातें मिलती है, तो उनको खुद पता है कि किस सिचुएशन का गाना किससे हम लिखवाएंगे। और मैंने ये ओम झा भाई को पता है, अभी तो 2-3 गाने पे काम हुआ है और 2 रोमांटिक सॉन्ग हैं जो हम लोग इसको शूटिंग करेंगे, अरे शूटिंग नहीं, रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद आगे हम कुछ करेंगे। आज़ादी की बात हो रही है और आज़ाद खुद ही साथ हैं, आप बताएं जरा कौन से गाने की जिम्मेदारी इस पे जी? तो मुझे हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि हॉट गाना चाहिए, खबरदार मेरे सिनेमा यही जिम्मेदार हॉट गाना, मतलब खाली मैंने कभी कभी चलने वाला बजने वाला मतलब बोलिए कमर्शियल गाने बोलिए कमर्शियल हॉट करने के लिए मैंने कभी भी हॉट मतलब गलत नहीं, ये कमर्शियल गाने के लिए कमर्शियल गाने की बात है। और वैसे भी आजाद सिंह को लोग कमर्शियल गाने के लिए ही जाना जाता है, तो हमारे डायरेक्टर का डिमांड है तो मेरा फर्ज है पूरा करना। नहीं बट आप तो बहुत सारे गाने लिखते हैं कमर्शियल के साथ साथ, आप तो हर टाइप के गाने भी गाना भी मेरा। और बेसिकली मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ उसमें मेरी तिकड़ी, एक हम लोगों की जो तिकड़ी है, इन श्याम जहाती, आजाद सिंह और गैरलाल कवि जी की, तो ये तीनों तिकड़ी मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर से डिमांड करता हूँ कि भैया मुझे ये 3 तिकड़ी होने चाहिए मेरी टीम में। बिकॉज ऑफ जब से मैंने इंडस्ट्री में आया हूँ तब से एक फ्रेंडली भी रहे हैं, बहुत हर चीज पे बैठ के डिस्कशन करना, डायरेक्टर बनने के बाद भी वही मेरे अंदर चल रहा है, तो वो है जिम्मेदारी इनके ऊपर गाने लिखने की। बस मजा आ रहा है और बहुत डिफरेंट स्टोरी है, कलुआ करोड़पति टाइटल से समझ सकते हैं, काफी मजा आएगा फिल्म बनने के बाद। हम लोग से आज मेरा भी जन्मदिन है, अरे मंजुल भाई, तो मंजुल भाई का भी आज जन्मदिन है, तो मैं भी सोचा आपका जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं।